सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के बारे में अगले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 25 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम 26 नंबर के सवाल से यहाँ शुरू करेंगे। देखिए, मुझे लगता है मैं आपको 100 प्रश्न अपवाह तंत्र के बारे में इंडिया के पूरा दे दूँ तो आप वही प्रश्न सारे पढ़ लेंगे, तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी में नदियों से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं 100 प्रश्न की एक पूरी सीरीज चला रही हूँ नदियों से, तो आप इसीलिए मैंने ये 26वें प्रश्न से शुरू किया है। 25 प्रश्न है वो पहले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं पहले जाके, फिर इसको देख लेना। और अभी मैं ऐसे टॉप 100 प्रश्न आपके लिए दूंगी, तो नदी तंत्र से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीक्यू होने वाले हैं, तो आप एकदम इनको अच्छे से पढ़ लें और एटलस में ज़रूर देखें, सारी नदियाँ एटलस में ज़रूर देखें, उनकी सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल, ताकि आपको याद हो जाएगा। आप दो बार इन सारे प्रश्नों को देख लेंगे तो आपका एक भी सवाल नदियों से गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती को सही अनुक्रम कौन सा है? यानी ये चार नदियां हैं, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो इन इन नदियों की लंबाई के क्रम में आपको, घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे ज़्यादा लंबी नदी में से वो है कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, तो नंबर एक पर गोदावरी रहेगा। दूसरे नंबर पे है नर्मदा, सबसे लंबी है, और तीसरे नंबर पे महानदी लंबी है, और चौथे नंबर पे आएगा ताप्ती। तो ऐसे इसमें कौन सा बन रहा है? देखो, गोदावरी, फिर है आपका नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन, सॉरी, जो ऑप्शन बी है दूसरा वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है आपकी वो है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, और महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर, और ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। तो ये चारों नदियों का क्रम है, आप नोट भी कर सकते हैं इनकी लंबाई, और आप इनको एटलस में ज़रूर जाके देखें इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये कहाँ पे सागर में गिरती हैं या और इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं, यानी समझ लो ये इंडिया है, तो जो इस इलाके की नदियाँ जो इस तरफ बहती हैं, इस तरफ, तो उनका आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी इधर से और इधर की तरफ क्रम बताना है। तो इनमें कौन सा क्रम होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे जो उत्तर की तरफ नदी है इनमें वो है सुवर्णरेखा, फिर दूसरे नंबर पे आपकी आएगी महानदी, फिर उसके बाद आएगी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेंगई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे उत्तर में पड़ती है आपकी सुवर्ण रेखा, इसको जाके ज़रूर देखना आप में। ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है लेकिन ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो आप इसे ज़रूर देखें। फिर दूसरे नंबर पे इसके बाद आती है महानदी, फिर उसके बाद गोदावरी का प्रवाह है, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी और फिर वेंगई है। अब आपको क्या करना है, आप एटलस खोलेंगे तो आप देखना है, आपका काम यह है कि आपको इनके किनारे बसे हुए शहरों के नाम दिखने हैं, तो शहरों के नाम भी पूछ लेते हैं, और अगर इनके बीच में कोई महत्वपूर्ण नदी और छूटी हुई है तो उसका क्रम भी आप उत्तर से दक्षिण लगा लें। तो आप एटलस ज़रूर जाके देखें। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से अपवाह तंत्र का अपवाह तंत्र रखती हैं? यहाँ पे आ होगा तो अपवाह तंत्र रखती हैं, तो जो मुख्य अपवाह तंत्र हैं वो हैं अरीय, वृक्षनुमा और जालीदार। तो इनमें से दक्षिण भारत की नदियां हैं वो कौन से अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो देखिए, मैं इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो बता देती हूँ। आर्य ऐसे होता है जैसे ये पर्वत है और इसके चारों तरफ नदियां निकल रही हों, तो ये आर्य अपवाह तंत्र हो जाएगा। वृक्षनुमा में ये होता है कि एक मुख्य नदी है और चारों तरफ से इसमें आके ऐसे नदियाँ मिल रही हैं, तो ये वृक्षनुमा हो गया। और जालीदार होता है कि इस तरीके से नदियाँ उसमें मिल रही हों, एक जाली का निर्माण कर रही हों, और तो उसको बोलते हैं जालीदार। तो ये तीन प्रमुख पैटर्न हैं नदियों के बहाव के। तो जो साउथ इंडिया की जो नदियाँ हैं जिस पैटर्न को फॉलो करती हैं उसका नाम है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो नदी इनमें से भिन्न है, जो नदी इन नदियों में से भिन्न है, इनमें से एक नदी अलग है
वो कौन सी है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो अलग नदी है वो है आपकी, देखिए पहले थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखिए नर्मदा नदी है, इसका पानी भी अरब सागर में जाता है। सिंधु नदी, इसका पानी भी अरब सागर में जाता है। और ताप्ती, इसका पानी भी अरब सागर में जाता है। बची महानदी, तो महानदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन बाकी तीन से ये भिन्न है, क्योंकि ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? देखिए जो नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है इनमें से, तो वो है महानदी। महानदी भारत, महानदी पूर्वी भारत की नदी है। और ये निकलती कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने कल वाले वीडियो में भी एक बार आपको बताया था, ये छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो धमतरी जिले में पड़ता है। और 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए पारादीप के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है महानदी। अब आप देखना इसके किनारे कोई महत्वपूर्ण शहर है क्या, इसके डेल्टा या किनारे पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, और जिनके उत्तर की ओर, यहाँ पे होगा उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। देखिए ये पूछना चाह रहा है कि एक जगह है उससे दो नदियाँ निकलती हैं, तो जो एक नदी है वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी नदी में मिलती है, यानी जो एक नदी इससे निकल रही है वो इस तरफ प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से कोई नदी आ रही है उसमें ये मिल रही है, और ये नदी इस बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहली बात तो हो गई ये। अब दूसरी बात इसमें है कि दूसरी नदी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो एक नदी इसमें अरब सागर की तरफ इधर प्रवाहित हो, इधर की तरफ प्रवाहित होती है, समझो इधर की तरफ, अरब सागर इधर पड़ेगा। तो ये दोनों नदियाँ किसी स्थान से निकलती हैं वो आपको बताना है। तो ये है अमरकंटक। अमरकंटक से दो प्रमुख, तीन वैसे महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, लेकिन यहाँ दो के बारे में बात की गई है, तो मैं दो ही नदियों के बारे में बात करूँगी। तो अमरकंटक से सोन निकलती है, जो सोन गंगा में जाके मिलती है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सोन उत्तर की तरफ बहती है, और एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक शर्त ये फुलफिल हो गई। और दूसरी शर्त यह है कि जो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, वो अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये दोनों ही नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। पहला कथन तो यह है, इन शब्दों पर ध्यान देना है, ये कह रहा है केरल में ऐसी कोई नदी नहीं है जो पूर्व की तरफ बहती हो। और दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। यानी दूसरे कथन में कह रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई नदी नहीं है जो पश्चिम की तरफ बहती हो, यानी इस तरफ बहती हो मध्य प्रदेश में। इसका कहने का मतलब यह है, मध्य प्रदेश में इस तरफ बहती हो, सॉरी इस तरफ बहती हो, मध्य प्रदेश में इस तरफ बहती हो और केरल में इस तरफ बहती हो, ऐसी कोई नदी नहीं है, इसके कहने का मतलब यह है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली कई नदियां हैं, आप एटलस जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां भी हैं, तो आप इसमें से दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी, न तो एक सही है और ना ही दो, दोनों ही गलत हैं। देखिए केरल में जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, मैं उस नाम भी बता देती हूँ, एक है पाम्बार, भवानी और कबानी। ये तीन नदियाँ हैं केरल की जो पूर्व की तरफ बहती हैं। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, पाम्बार, भवानी और कबानी, तो ये केरल में पूर्व की तरफ बहती हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही, ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अब सागर में गिरती हैं। तो इसलिए दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप ये तो आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। और एक और महत्वपूर्ण नदी है माही, वो भी पश्चिम की तरफ बहती है और वो भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो इसलिए ये दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सब नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो वो है गोदावरी।
गोदावरी का मैंने अभी आपको लंबाई बताया था, 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी जो भारत की दूसरी लंबी नदी है गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये निकलती कहाँ से है गोदावरी, तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर के निकट से, उद्गम होता है इसका, और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में, तो ये भी आपको एटलस में जाके चेक करना है किस जगह पे है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार, तो इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इनमें से जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वो हैं इंद्रावती और प्राणहिता, ये दो नदियां हैं, ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। वंशधारा और पेन्नार, पेन्नार तो देखिए सीधे ही जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये सहायक नदी नहीं है। और जो वंशधारा है ये गोदावरी की सहायक नदियों में नहीं है, इसीलिए और एक और चार इसमें नहीं रहेगा, दो और तीन इसका राइट आंसर है, दो और तीन, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ऐसी नदी है सतलज, ये हिमालय की सारी श्रेणियों को काट कर आती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तिब्बत से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की कौन सी इनमें से सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा टेल है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, टेल है ये महानदी की सहायक नदी है। तो टेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की, बाकी ये सब है कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो आपको टेल का लोकेशन देखना है, ये कहाँ से निकलती है और किस जगह महानदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापित करने का सही अनुक्रम होगा? देखिए भारत में गंगा नाम से कई नदियां हैं, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जितनी गंगाएं हैं उनका क्रम आपको बताना है, तो इनमें से कौन सा क्रम होगा? तो किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये ती चार ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से जो नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उनका क्रम आपको बताना है। तो किशन गंगा है जम्मू कश्मीर में है, और ये आपको पता ही है गंगा कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है। और तीसरे नंबर पर है आपकी वेन गंगा, और चौथे नंबर पे है पेन गंगा। तो एक दो तीन चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सारी गंगाएं आपको चेक करनी है, किशन गंगा आपकी जम्मू कश्मीर में है, इन दोनों नदियों को आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाला जो मैप है उसको खोलेंगे तो आपको इनका लोकेशन दिखेगा, गंगा आपको मालूम ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न से नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? इनमें से जो नहरें दी हैं इनमें से कौन सी दामोदर नदी से निकाली गई है? तो वो है एडन नहर, एडन नहर है ये दामोदर नदी से निकाली गई है, ये 1938 में निकाली गई थी अंग्रेजों के समय में, और 65 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। तो 1938 में ये निकाली गई थी एडन नहर। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए दामोदर नदी है ये हुगली की सहायक नदी है। अब दामोदर नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, और इसका उद्भव है छोटा नागपुर पठार से होता है, लंबाई इसकी 1366 किलोमीटर है, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, बराकर, जमुनिया और बरकी, तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये कोलकाता से के 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली में मिल जाती है, तो ये हुगली की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो मैंने अभी आपको बताया दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सी नदी भूमि बंधित नहीं है? यानी ये नदियाँ जो दी हैं इनमें से कौन सी नदी है जो भूमि बंधित नदी है, भूमि बंधित नदी है यानी जो समुद्र तक नहीं पहुंचती, पहले ही जमीन में ही खत्म हो जाती है, तो वो कौन सी नदी है? जो नदियां भूमि बंधित होती हैं उन्हें अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण भी मानते हैं। अब अंतःस्थलीय नदियां वो होती हैं जो
स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं जो समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। तो इसमें से जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये लूनी नदी है सागर तक नहीं पहुंचती है, ये पहले ही समाप्त हो जाती है और ये दक्षिण पश्चिम सॉरी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है लूनी, और 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और मैं उदाहरण बता देती हूँ अंतर्स्थलीय नदियों के, तो इनमें है घग्गर, माछू, रूपेन, सरस्वती, बनास और लूनी, ये सारी नदियाँ हैं, इनको अंतर्स्थलीय नदी मानते हैं। एक बार फिर बोलती हूँ, घग्गर, माछू, लूनी, रूपेन, सरस्वती और बनास, ये सारी नदियाँ अंतर्स्थलीय नदियों के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वह है, यानी ये खारी नदी है किसी अपवाह तंत्र का भाग है, तो वो किसका है? तो ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। वो कैसे कि खारी नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल में ये खारी नदी, समझ लो ये चंबल है, खारी नदी इसमें ऐसे आके मिल जाती है और इधर से यमुना आ रही है, तो चंबल यमुना में मिल जाती है। इस तरह खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अंग बनती है क्योंकि यमुना गंगा में मिलती है और गंगा आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इस तरह ये पैटर्न बन जाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी का पार्ट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है? तो ये नदियाँ दी गई हैं, उनमें से कौन सी है जो हिमनद से नहीं निकलती? देखिए यमुना निकलती है हिमनद से, अलकनंदा भी निकलती है, मंदाकिनी भी निकलती है, ये तीनों ही नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं। ये कोसी है, ये आपकी किसी हिमनद से नहीं निकलती है, ये कोसी निकलती है पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है, और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, और ये भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है, और ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो ये आपको समझ लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ये नदियाँ दी गई है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये इलाका बहुत चर्चा में है और ये नदियाँ भी चर्चा में हैं, तो हो सकता है यहाँ से सवाल पूछा जाए। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको बताना है, तो सबसे उत्तर में कौन सी नदी है? तो सबसे उत्तर में आपकी पड़ती है श्योक, तो श्योक उत्तर में पड़ेगी, फिर उसके बाद जास्कर है, फिर उसके बाद स्पीति है, फिर सतलुज है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्योक आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ती है, उससे नीचे जास्कर पड़ेगी, फिर स्पीति है, स्पीति आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है, और इन सभी का लोकेशन आपको जाके एटलस में देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, यहाँ से सवाल इस बार आने की पूरी संभावना है। जो श्योक नदी है इसके किनारे किनारे ये दौलत बेग ओल्डी जो मार्ग है वो बनाया जा रहा था, वही विवाद वहाँ गलवान वैली और चाइना इंडिया के बीच हुआ, तो वो उसी इलाके की ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं श्योक जास्कर, तो आप ज़रूर इसको जाके एटलस में देखना। तो मैं थोड़ा श्योक के बारे में आपको बता देती हूँ, ये यारकंडी, इसको श्योक नदी को यारकंडी नाम से जानते हैं सेंट्रल एशिया में, और काराकोरम क्षेत्र में इसे मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकांड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था, तो यारकांड के लोग इसको यारकांडी नदी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जास्कर के बारे में थोड़ा बताती हूँ, तो ये जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानों से होकर बहती है, और नेमू 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 के निकट ये नदी जो जास्कर है, नेमू के निकट ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अब नेमू की लोकेशन देखना है आपको, नेमू सिंधु नदी के किस तरफ है, बाएं तरफ या दाएं तरफ, क्योंकि एक बार सवाल पूछा था लेह सिंधु नदी के बाएं तरफ है या दाएं तरफ, तो नेमू भी ऐसे पूछा जा सकता है, और ये नदियाँ इलाका बहुत चर्चा में रहा है, तो यहाँ से आने का संभावना है सवाल बहुत ज़्यादा, तो आपको देखना है जास्कर नदी नेमू में किस तरफ से सिंधु नदी में मिलती है और नेमू किस तरफ स्थित है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और सरचू, और ये जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार भाग से हो बहती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य राजघाट नदी परियोजना लागू की गई थी किन नदियों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच राजघाट परियोजना थी, तो ये किस नदी पर लागू की गई थी तो वो बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बेतवा नदी पर। देखिए, राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली नदी दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दूसरा कथन है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्वी बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। यानी मान लो दक्कन पठार की बात कर रहा है, ये इंडिया है, इंडिया तो इस इलाके की यह बात कर रहा है। तो जो दक्कन पठार है उसका ये जो धार थोड़ी सी जो प्रवणता है यानी जो झुकाव है वो पूर्व की तरफ है वो बता रहा है, और वो बहुत थोड़ा है। तो इनमें से कौन सा सही होगा तो वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर है केवल दो सही है, जो दूसरा कथन है वही सही है। दक्कन के पठार की थोड़ी सी प्रवणता है पूर्वी पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो काली नदी है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये काली नदी तो कहाँ से निकलती है? उत्तरी कन्नड़ जिले से निकलती है, कर्नाटक में डिग्गी गांव के पास से, ठीक है, चाप बनाते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अब अरब सागर में मिल जाती है। और कुल लंबाई इसकी 184 किलोमीटर है, इसीलिए पहला कथन इसका गलत हो जाता है, दूसरा कथन एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? तो देखिए, कपिली कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कपिली नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कपिली नदी के किनारे ही कामरूप शहर स्थित है। अब ये कामरूप कहाँ है? ये आसाम में है। तो आपको जाके इसकी लोकेशन देखना है, किस जगह पे है, किस इलाके में पड़ता है आसाम के, और नदी भी देखनी है। तो कपिली नदी है, इसके किनारे कामरूप है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से जो नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है तो वो है आपकी माही नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है खांडू के निकट, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये प्रवेश कर जाती है खांडू के निकट में, और यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम में दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? किस झील से निकलती है? तो ये जो मीठी नदी है ये पूछता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था एक बार, बहुत ज़्यादा एकदम ख़त्म हो गई थी नदी, तो इससे फिर से इसको रिस्टोर किया गया नदी को। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये विहार झील से निकलती है, ऑप्शन बी। तो आप महाराष्ट्र में मीठी नदी का लोकेशन देखें, मुंबई में है बेसिकली ये नदी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है नदियों के बारे में, आप इनको अच्छे से देख लें, एटलस में 2 बार तो कम से कम पढ़ लें। और 100 प्रश्न मैं आपको नदियों से संबंधित दूंगी, तो आपके सारे ही प्रश्न कवर हो जाएंगे। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं क्रेजी कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर भी, वो भी हमारा ही चैनल है। तो थैंक यू।